हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ईवीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बिना लेट हुए। और ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है कि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे है, जगह आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश। डी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग कि भारत में वन्य जीव सॉरी भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे पश्चिमी घाट में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि विविधता पाई जाती है वनस्पति एवं जंतुओं की। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन सा। आंसर होगा आपका एयर कंडीशनर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं। समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं। तो आंसर होगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, उपभोक्ता। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो आंसर होगा आपका कोयला। कोयला जी है कि भिन्न है पेट्रोल, पैराफिन, पैराफिन मोम एंड ग्रीस जो है कि सेम है, लेकिन कोयला क्या इन तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में। आंसर होगा आपका बिहार प्रदेश में, बिहार राज्य में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आंसर होगा आपका भोपाल को कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के सीमांतवर्तीय राज्य। तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। तो आंसर होगा चंबल। चंबल हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा किला किसने बनवाया। गोलकुंडा किला किसने बनवाया। तो आंसर होगा आपका कातकी राजवंश ने बनवाया था। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा। आंसर होगा आपका यहाँ पे सरसों का पौधा है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड़ू कहाँ के लोगों की भाषा है। कुड़ू कहाँ के लोगों की भाषा है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे झारखंड। झारखंड के लोग कुड़ू भाषा बोलते हैं। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घास स्तर में संख्या पिरामिड कैसा होता है। आंसर होगा सीधा। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द राइट आंसर, सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे छह बिंदुओं पर आधारित होती है। छह बिंदुओं पर आधारित है। लुईस बेस ब्रेल ने इनकी खोज की थी, जो कि एक अंधे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीता तेलंगाना जाती है और दो साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वही बनाई जाती हुए क्या कहलाती है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे पोचमपली और कलमकारी कहलाता है। पोचमपली कलमकारी, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 ग्राम ML घनत्व और 3 ML आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक आप अपना आंसर दीजिएगा तो मैं आपको इसको क्या करना है, आपका मल्टीप्लाई करना है। 15 से हम जो 3 को गुणा कर रहे हैं तो 15 से क्या होगा आपका यहाँ पे 15 से 45 होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, 45 से कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कम कफी जिसका उपचार सिंकोना पेट की छाल से किया जा सकता है, वो डैश। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे मलेरिया। मलेरिया हो जाएगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। ईवीएस के थीमों को दर्शाता है प्राथमिक स्तर पर। राइट आंसर, आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की वह परत जहाँ तापमान प्राय एक समान रहता है पाते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर समताप मंडल कहा जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में एनीमिया रक्त अल्पता का प्रमुख कारण। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे लौह तत्व, आयरन की कमी। लौह तत्व की आयरन की कमी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण से संबंधित निम्नलिखित
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक कथन सही नहीं है, सही उत्तर चुने। ठीक है, नई क्वेश्चन पूछा गया कि सही नहीं है, इसका राइट आंसर होगा कि यह तालाब आज भी प्रयोग में है, बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं करते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन आपका क्षेत्र भ्रमण है, पुस्तकालय भी है, सर्वे है, परियोजना है, तो राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक के रेट के पहाड़ जिन्हें रेट के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं, आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे आबू धाबी, आबू धाबी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी किसकी कमी से होता है, स्कर्वी किसकी कमी से होता है, आंसर होगा विटामिन सी की कमी से क्या होता है आपका, स्कर्वी होता है, सी इज द राइट आंसर, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे, तो हर चीज को जिस रंग में देखते हैं आपका काला और क्या होता है सफेद होता है, डी इज द राइट आंसर, काला और सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कर्नाटक के बेलवानिका गांव के किसान हैं, आप आज क्या आंसर, आप प्याज के बीजों को खेत में डालने के लिए किस साधन का प्रयोग करेंगे, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, इलिगे, इलिगे हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर, इलिगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोकला चटनी और लेमन राइस किस राज्य के लोगों के पसंदीदा व्यंजन है, आंसर होगा गुजरात, गुजरात, डी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात, गुजरात, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का कारण क्या है, सुनामी का कारण पूछा गया है यहाँ पे क्या है, तो आंसर होगा समुद्र तल में भूकंप, समुद्र तल में भूकंप हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती, तो राइट आंसर होगा कोहरा निर्माण, कोहरा निर्माण जो है आपका नहीं किया जा सकता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने दो बॉक्स बनाए, पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप स्लिप डाली, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों के नाम स्लिप डाली, सबसे पहले बॉक्स का नाम क्या होगा, तो पहले बॉक्स का नाम होगा प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण के दौरान डैश की संख्या में वृद्धि होती है, तो संक्रमण के दौरान डैश में संख्या वृद्धि होती है, तो राइट आंसर होगा ल्यूकोसाइट में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी, यह समुद्र समुद्र तल से डैश ऊंचाई है, आंसर होगा 8848, 8848 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक पर्यावरण में शामिल है, जैविक पर्यावरण में शामिल, ऑप्शन ए उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और अपवर्तक, राइट आंसर होगा उपयोग सभी शामिल है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का सेवन करती है, वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ, निर्माण डैश होता है, तो आंसर होगा अस्थि मज्जा में इनका निर्माण, और आरबीसी का जो पूरा जीवन काल होता है, इस 120 दिन का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है, आंसर हो जाएगा मधुबनी, मधुबनी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण रेल सीधे जोड़ती है, तो कोंकण रेल किसको जोड़ती है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे मैंगलोर और मुंबई को जोड़ती है, मंगलोर और मुंबई, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है, तो आंसर होगा अंडे देने के लिए, अंडे देने के लिए, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न से किस कारण है, आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, सी इज द करेक्ट आंसर, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कार्य ग्राम सभा के कार्य है, तो पंचायत के वार्षिक लेखा का परीक्षण, बिल्कुल सही है, सामाजिक आर्थिक विकास का योजना एवं कार्यक्रमों को स्वीकृति देना, बिल्कुल सही, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु लाभार्थियों की पहचान करना, बिल्कुल सही, सामाजिक अंकेक्षण करना, ये सभी सही है, तो राइट आंसर क्या हुआ, सामाजिक अंकेक्षण करना, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भनिरोधित प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षा के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होगी,
आंसर होगा आपका कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा समान के निम्नलिखित आरेख को ध्यान पूर्वक देखें। उपरीत आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प से, यहाँ पे एक आरेख रहता है इस तरह करके और इस तरह, ठीक है। तो वहां पे आपका एक सूरज रहता है, दो बकरी और पांच मनुष्य रहते हैं, ठीक है। ये राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आंसर होगा आपका यहाँ पे वाष्पीकरण और संघनन दोनों की, वाष्पीकरण और संघनन दोनों की डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियां बना रहा है, इस कार्य में किस बल का उपयोग मिलाया जा रहा है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे यू आपका मांसपेशी बल हो जाएगा, यहाँ पे मांसपेशी बल, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांगपांग जनजाति पाई जाती, चांगपा जनजाति पाई जाती, राइट आंसर होगा लद्दाख में चांगपांग जनजाति पाई जाती, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, निम्न में से कौन सा, तो राइट आंसर चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है, ठीक है। चावल जो है वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है, तो यहाँ पे गलत पूछा गया, कौन सा गलत है, तो बी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक मेघा पाटकर अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि राइट आंसर होगा यहाँ पे दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर, ठीक है, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर, यहाँ पे राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि ज्यादा तेजी से चलती, ध्वनि ज्यादा तेजी से चलती है, राइट आंसर होगा लकड़ी में सबसे ज्यादा चलती है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है, सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है तो आपका 90% नाइट्रोजन से, 90% नाइट्रोजन से बना होता है, 90% नाइट्रोजन, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है, आंसर होगा भूमिगत जल स्तर वृद्धि, भूमिगत जल स्तर वृद्धि, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित, उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित, आंसर होगा विक्र से, ए इज द राइट आंसर, विक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थित दिखाई देता है, क्योंकि राइट आंसर ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है, ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किसका मूल उद्भव स्थान नहीं है, उद्भव स्थान भारत नहीं है, आंसर होगा स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये मैंने 60 क्वेश्चंस करवा दी केवल 30 मिनट के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।